पक्षी प्रेमी तो आपने कई देखे होंगे, जैसे किसी को तोता पालने का तो किसी को घर में चिड़िया पालने का शौक होता है। मगर राजस्थान के करौली में एक शख्स ऐसा है जिसे बचपन से कबूतर पालने का शौक कुछ ऐसा लगा है कि आज इस शख्स के आंगन में सैकड़ों प्रकार के कबूतर खेलते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, इनके पास कई तरह के तो कबूतर ऐसे हैं जो आज बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। पेशे से हलवाई करौली के दिलीप ने आज अपने शौक के चलते इतने कबूतर अपने आंगना में पाल रखे हैं कि आज इनके घर का आंगन सैकड़ों प्रकार के कबूतरों से भरा हुआ नजर आता है। था कबूतर से जब से मैं पालता हूँ, मुझको मतलब आज 55 साल है कबूतर पालते पालते। तो इस टाइम मेरा डेंग अब 250 कबूतर है और मुझको छोटे से ही शौक है इसका, और मतलब इसकी देख रेख बहुत ज़्यादा रहती है देखने के लिए। कौन कौन सी कौम है कबूतर की आपके एक पास? तो उदय अपन एक जालदार है और लालबंद। कोई ऐसी कौम है जो अब लुप्त होने की कगार पर है? जो लुप्त होने की कगार पर है उदय है, ये उदा मिलती नहीं है, कम मिलती है। कैसे करते हो आप इनकी देखरेख? देखरेख सुबह पानी पाते हैं और शाम को पानी पाते हैं और दोपहर में पानी पाते हैं। क्या खिलाते हो आप इनको? उनको ज्वार, मक्का, बाजरा और चना। आप काम क्या करते हो? हलवाईगिरी काम करता हूँ मैं, और छोटा से ही मैं कबूतर पालता हूँ, और एक इनकी देखरेख बहुत होती है। इनको सबसे महंगा खाना खवाना पड़ता है, एक मक्का भी खवानी पड़ती है, चना भी खवाना पड़ता है, ज्वार भी खवानी पड़ती है, बाजरा भी खवाना पड़ता है, और गेहूँ भी खवाना पड़ता है, फिर गोली भी देनी पड़ती है।